हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 19 मार्च के इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो उसको देखेंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर दो तरीके का कोर्स आपको आसानी से अवेलेबल होता है। दिल्ली मुखर्जी नगर में ये कोचिंग है, कुछ लोग जो जानना चाहते हैं उनके लिए बता दें। और यहाँ पर एक डिफरेंट कोर्स है कॉल्ड पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक मेंटर मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड कोच मिलते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपके प्रिपरेशन में कि आपकी प्रिपरेशन कैसे आगे जानी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, विच इज़ इन मुखर्जी नगर दिल्ली। अब आइए शुरू करते हैं। तो कल आपको सवाल दिया गया था कैस्पियन सी, आई होप आपको याद हो गया होगा कि कैस्पियन सी के चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम क्या है। जैसा आपको बताया है कि ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे मैपिंग के कोर्स को ख़त्म करेंगे, तो बहुत ज़्यादा भागने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक चीज़ को भी डेली याद करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कैस्पियन सी के चारों तरफ देखिए, इससे पहले आपको रशिया का नाम याद रहेगा और कजाकिस्तान है इस तरफ, तो एक तरफ रशिया एक तरफ कजाकिस्तान हम देखेंगे नॉर्थ की तरफ, तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी में। उसके बाद यहाँ से देखने पर आपको अजरबैजान दिखता है और फिर अजरबैजान के बाद ईरान का नंबर आता है, राइट, ईरान बॉर्डर शेयर करता है, फिर तुर्कमेनिस्तान है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं टोटल, उनका नाम आप याद कर लीजिए कि कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार उज्बेकिस्तान को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर अगर ये वाला जो लोकेशन है पूरा बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा है, यहाँ पे खास करके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो याद हो गया, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी में, ठीक है। और आज लास्ट में आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको भी ट्राई करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल से। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ये जीएस पेपर 2 में आप इसको एसोसिएट करेंगे। तो इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है, अभी आपने सुना होगा, फ्रंट पेज पर भी इसकी न्यूज़ आई हुई है। और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, CDR क्या है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, ये काफ़ी अभी चर्चा में है। तो चर्चा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनी है, गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी, वो जो जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स है उसको जानना चाह रही है, ताकि हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि इतने जो क्रॉस कनेक्शन होते हैं उस चीज़ को चेक किया जाएगा और जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, इसलिए उनको पिछले एक साल का सारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर अब जो अपोजिशन के गवर्नमेंट हैं या फिर अदर लोग हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि समहाउ ये जो राइट टू प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रहा है। तो रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ के कंज्यूमर्स का उनको चाहिए, इसमें डाटा गिवन है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये स्टेट हैं जहाँ के ऑल कंज्यूमर्स का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो उनको चाहिए, ठीक है। तो अब इसी पर ये पूरा एनालिसिस है कि कितना सही कितना गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि जो ऑपरेटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को, वो DOT को प्रोवाइड करेंगे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को, ठीक है, जो पिछले एक साल का है। नाउ द थिंग इज कि हाउ इट ब्रीच द प्राइवेसी, ये ऑब्वियसली सीरियस ब्रीच हो सकता है प्राइवेसी का। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट किन कारणों की वजह से ऐसे कदम उठा रही है। वाइल CDR रिक्वेस्ट इज सपोज टू बी सेंक्शन बाय द होम सेक्रेटरी एंड हैंडल बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द SP, तो इसमें जो पूरा यूज़ किया जाएगा CDRs का, वो जो पुलिस ऑफिसर्स के हायर रैंक अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अंतर्गत उसको पूरा डिटेल रखा जाता है। एंड जनरली अंडरस्टूड दैट द कम्युनिकेशन सर्विलेंस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड द परपोजिव द मस्ट नॉट ट्रेस पास द प्राइवेसी ऑफ द इनोसेंट। देखिए, ऑब्वियसली जो कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं या ये बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, और इसको इतनी आसानी से एक्सेस कर लेना गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बहुत सीरियस ब्रीच हो सकता है प्राइवेसी का। और उसी का यहाँ सवाल उठा रहे हैं सभी लोग कि आखिर ये कितना सही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है और उसके बावजूद सरकार ये कदम उठा रही है। हालांकि अब CDR के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल जान लीजिए कि दीज आर ऑल मेटा डाटा एंड नो कंटेंट। जो CDR होते हैं ये, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता, मतलब कॉल रिकॉर्ड्स में आपका ये पता नहीं चलता कि क्या बात हुई है, राइट।
तो यही बताया जा रहा है। ये देखिए प्रिलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इट ऑल मेटा डाटा, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता, आप जो बात करते हैं और जो मैसेज होता है वो रिवील नहीं होता, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा डाटा है। ये उस लोकेशन को बता देता है जहाँ से बात हुई है, उस कनेक्शंस को क्लियर कर देता है और बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करने में, अजम्पशन में काफ़ी मदद पहुँचाता है सीडीआर। तो डायरेक्ट तो ये हेल्प नहीं करता, या डायरेक्ट तो लोगों के प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर रहा है, उससे कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, बट इनडायरेक्टली समहाउ वही सारे जो कनेक्शंस हैं उनका पता आसानी से चल सकता है बाय द सीडीआरस। एंड इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ मल्टी डायमेंशनल मैप ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियसली इसके बाद एक ओवरऑल मैपिंग की जा सकती है कि क्या एक्टिविटी रही, किस तरीके की एक्टिविटी रही, रिसेंट इवेंट्स क्या क्या रहे, तो ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। दिस वुड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पावर। अब यहाँ पर जो सिटीजन स्टेट के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर होता है, उस चीज़ को ये डिस्टर्ब कर सकता है, प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। तो अब सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सीडीआर डाटा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसका अगर सरकार के पास क्लियर कट रीज़न है तो सरकार को उसको बताना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि वाई दे नीड सीडीआर डाटा, वाई दे नीड कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पर्सन्स, और वो भी सारे कंज्यूमर्स का। तो इसका एक सही और अच्छा एक्सप्लेनेशन आना बहुत ज़रूरी है सरकार की तरफ से। अगला आर्टिकल है नॉट सो स्मार्ट मीटर, जीएस पेपर 3 से एसोसिएट कर देंगे पावर वाले सेक्शन से। अब यहाँ पर हालांकि बात हम डिस्कॉम की करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो स्मार्ट मीटरिंग होती है, आजकल मीटर आपको पता होगा मीटर वगैरह चेंज किए जा रहे हैं बहुत जगह पर, तो स्मार्ट मीटरिंग जो होती है उसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकते हैं, इसी पर पूरा ये डिस्कशन किया गया है। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट किया बजट 2020-21 का, और उसमें अर्ज किया सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कि जितने भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, किस चीज़ से, प्रीपेड स्मार्ट मीटर से। ठीक है, जो अभी आपके घरों में या बाकी जगह पर जो मीटर्स लगे हुए हैं उसको हटा दिया जाए। अभी क्या होता है, अभी मीटर में आपके यहाँ जो भी बिल आता है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो नंबर्स दिख जाते हैं, और उस नंबर को फिर ट्रेस किया जाता है, चेक किया जाता है, और फिर उसके बाद आपका बिल इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है। राइट, नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात हो रही है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में क्या होगा कि ये जो मीटर होगा इसमें पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और फिर उस रिचार्ज के बाद आपके यहाँ पर बिजली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रीपेड रिचार्ज, पहले आप पेड करो फिर आप उसका यूज़ करो। तो ये सरकार ने कहा कि आप सब जगह पर ये वाले मीटर्स लगवा दीजिए, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर। अब इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं वो उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैड एडवाइस द कंप्लीट स्विच टू प्रीपेड स्मार्ट मीटर। इसमें जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दोनों मिलकर के इस पर काम करने वाले हैं। स्मार्ट मीटर जो है तीसरे पिलर की तरह है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ट्रांजिशंस आ रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आप कह सकते हैं, उसमें थर्ड पिलर एक स्मार्ट मीटर भी है जिसको कि ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है। और अब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बाद ये स्मार्ट पिलर हमारे यहाँ पर आ गया, जिसको यूज़ करने का प्लान बनाया जा रहा है। सो प्री पेमेंट इज़ एडिशनल फीचर इसमें मीटर का, कि खास बात क्या है, इसमें प्री पेमेंट करना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। बट यहाँ पर टू होप फॉर द आउटकम, यहाँ पर दो आउटकम क्या निकल के आता है। पहला तो ये कि प्री पेमेंट इज सीन एज अ रेमेडी फॉर द फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके लिए ये फायदेमंद बताया जा रहा है क्योंकि इसमें प्री पेमेंट हो जाएगा। तो डिस्कॉम के साथ दिक्कत क्या है, दिक्कत है उनको उनका जो पैसा है वो डूब जाता है, उनको पैसे मिल नहीं पाते। तो यहाँ पर जो प्री पेमेंट होगा उससे डिस्कॉम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उनकी जो इतने दिनों से अनसुलझी हुई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर आर एक्सपेक्टेड टू एम्पावर द प्लान कंजम्पशन द एफिशिएंट मैनर। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं वो भी अगर प्री पेमेंट करना पड़ेगा किसी को, तो वो जो अपना सप्लाई करेंगे, वो जो यूज़ करेंगे वो सस्टेनेबल मैनर में होगा और एफिशिएंट तरीके से होगा। तो ये दो वर्चुअस गोल है जिसको कि पूरा करने का प्लान स्मार्ट मीटर से बनाया गया है। लेकिन कुछ सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या ये जो प्री पेड स्मार्ट मीटर है वो इन प्रोमिसेस को डिलीवर करेगा जो इसमें किया गया है। दूसरा, इज प्री पेमेंट और एन इफेक्टिव डिसिप्लिन टेक्निक।
क्या ये एक डिसिप्लिन टेक्निक को अपना पाएगा? और तीसरा से इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस स्मार्ट मीटर्स के? तो इन सब सवालों के बाद भी जो तीन डाउट एरिया है वो इसका इमर्ज होता है कि स्मार्ट मीटर का अगर यूज़ किया जाता है तो तीन जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट किए जाएंगे। उसमें पहला प्रॉब्लम है प्रीपेड मीटर एड्रेस ओनली स्मार्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कॉम फाइनेंस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लोगों ने ये कहा कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, उनको प्री पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ छोटे पार्ट में फ़ायदा मिलेगा डिस्कॉम कंपनियों को, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्ड अमाउंट को चुकाने में, ठीक है। जो भी एक जो दिक्कत आती है कि लोग पेमेंट नहीं करते वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी? तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में क्या है, डिस्कॉम लॉसेज हैव टू एडिशनल कॉम्पोनेंट्स। पहला तो है लाइन लॉसेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड थेफ्ट आउटसाइड द मीटर, नीदर ऑफ विच विल बी हेल्प बाय द स्मार्ट मीटर। तो पहला प्रॉब्लम है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें जो नुकसान हो रहा है, और दूसरा है कि मीटर के द्वारा जो चोरी होती है, ठीक है, थेफ्ट आउटसाइड द मीटर, मीटर के अलावा जो ये लोग बिजली की चोरी करते हैं वो प्रॉब्लम इससे कैसे सॉल्व होगा। प्री पेमेंट तो आपने बोला, अब लोगों को क्या है, वो तो प्री पेमेंट करेंगे ही नहीं, वो सीधा ऐसे चोरी से बिजली करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जो डिस्कॉम है उसका लॉस कितना है, 2.5% ओवरऑल 21% में उनका लॉस है, जिसको यहाँ पे ये डाटा बताया गया है कि उस जो उज्ज्वला योजना आया था, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उससे भी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी, बट अभी तक भी कुछ हो नहीं पाया है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है थेफ्ट का, बिजली चोरी का, जो हम इस स्मार्ट मीटरिंग से रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर डिसिप्लिन ऑन द स्मॉल नंबर ऑफ द डिफॉल्टर्स एंड द सेंटर इज चूजिंग इम्पोज प्री पेमेंट ऑफ ऑल कस्टमर्स। तो ये बताया जा रहा है कि जो सरकार है वो ये उनको ये देखना चाहिए कि जो डिफॉल्टर्स हैं, जो पैसे जहाँ से नहीं आ पा रहे हैं और जहाँ से पेमेंट की प्रॉब्लम है, उसको कैसे वो रिजॉल्व करें, बशर्ते कि जब हम प्री पेमेंट लागू कर रहे हैं ऑल कस्टमर्स पे, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, स्मार्ट मीटर विल रिक्वायर एक्सेस टू नेटवर्क एंड सपोर्ट आर्किटेक्चर टू ट्रांसमिट एंड स्टोर डाटा। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पर वही नेटवर्किंग का, जो उसमें बताया गया था कि दो प्रॉब्लम है, एक तो क्या है नेटवर्क, स्मार्ट नेटवर्क का, तो आपके पास उसकी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आर्किटेक्चर सपोर्ट करना चाहिए। तो आप समझ के देखिए कि पूरे भारत में अगर स्मार्ट मीटरिंग करनी हो तो आप अगर गाँव में जाएंगे या बाकी जगह पर, आपने देखा होगा कितनी सिस्टम कितना ज़्यादा मिसमैनेज्ड होता है। अब वहाँ पे जो स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा उसके लिए जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो नेटवर्किंग कॉस्ट जो है वो फिर से एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई उसको कौन बियर करेगा, स्मार्ट मीटर लगाएगा कौन और उसको लगवाएगा कौन, उसका पैसा कौन पे करेगा। तो इससे जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वहीं की वहीं रहने वाली है। तीसरा बहुत अच्छा इन्होंने डिस्कशन किया है वो है कि स्मार्ट मीटर से जो पुअर पीपल हैं उनका क्या नुकसान होगा, खास करके किसानों का। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए अभी तक क्या होता है कि जो इसको वैसे तो प्रो पुअर बताया जाता है, लोग बोलते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर जो है वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा होगा, अफोर्डेबल होगा, लोग जितना पैसा पेमेंट करेंगे उतना ही वो कंजम्पशन करेंगे, तो उनके ऊपर ओवरबर्डन नहीं आएगा, राइट, उनके ऊपर उधार बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा करके देखिए तो किसान क्या करते हैं, किसान ने मान लीजिए अपने यहाँ पर बिजली ली और बिजली का इस्तेमाल किया, उन्होंने पहले पंप वगैरह का इस्तेमाल किया, पानी वानी, अब देखिए सबके पास सोलर पंप तो होता नहीं है कि सारे किसानों को सोलर पंप मिल गया हो और जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तो अभी क्या करते हैं किसान के लिए बिजली का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर पंपिंग वगैरह करते हैं और फसल उगाते हैं, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो उनको जो फ़ायदा वहाँ पर होता है या उनको जब फसल कटने के बाद पैसे आते हैं तो वो उससे अपना जो पैसा है वो पे कर देते हैं, 2 महीने का 3 महीने का वो पेमेंट कर देते हैं इकट्ठा जा करके। तो अब यहाँ पे उनके पास कितना कम ऑप्शन बचेगा स्मार्ट मीटर के आने के बाद, या फिर जब प्री पेमेंट की सुविधा आ जाएगी तब वो कैसे इस चीज़ को बियर कर पाएंगे, तो उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो बढ़ जाएगा और किसान ऑलरेडी इतने क्राइसिस में होते हैं, इतने प्रॉब्लम में होते हैं, वो और प्रॉब्लम में जाने लग जाएंगे। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू क्रिएट अ इंसेंटिव टू द थेफ्ट, जो चोरी होती है बिजली की उसको भी फिर ये बढ़ावा देने लग जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी जो आउटकम्स हैं इसके या इसके जो डाउट वाले पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, सरकार को इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। प्रीपेड मीटर इन्वर्ट द ऑर्डर बिटवीन द कंजम्पशन एंड द पेमेंट, एंड यहाँ पे वीक अकाउंटेबिलिटी बिटवीन द डिस्कॉम एंड कंज्यूमर्स, तो उस प्रॉब्लम को, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टडीज़ भी की गई हैं कि कितना इससे कैसे बेटर सप्लाई किया जा सकता है या क्या हो सकता है, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए प्री पेमेंट कैसा हो सकता है, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने में कैसा हो सकता है, एंड प्री पेमेंट इन द करंट ट्रैफिक, इन द करंट ट्रैफिक टैरिफ स्ट्रक्चर डज नॉट एलिमिनेट द डिस्कॉम इंसेंटिव। तो वही कहा जा रहा है कि जो प्री पेमेंट वाला सिस्टम ला रहे हो उसमें जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं उनके कुछ अपने कंज्यूमर्स होते हैं जिनको वो ज़्यादा अमाउंट में बिजली प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर फिर जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट होने लग जाएगा और जो पुअर पीपल हैं उनको बिजली की सुविधा फिर नहीं मिल पाएगी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं जिसको कि पहले सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सब सहारन अफ्रीका में इसको एक्सपीरियंस किया गया था, सजेस्टेड दैट प्रीपेड मीटर टेंड टू हैव रिफाइंग इफेक्ट एंड पर्टिकुलरली ऑन द पुअर, पुअर के ऊपर इसका एक इफेक्ट होता है और उस चीज़ को पहले ठीक किया जाए, करप्शन इससे खत्म नहीं होता, इससे और हो सकता है कि बढ़ जाए, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं पहले उसको काउंटर किया जाए, जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए, एंड देन इफ़ यू इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो वो ज़्यादा इंडियन सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आगे कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर विल मे बी एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द ट्रांजिशनिंग 21st सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेकिन ये उस सिल्वर बुलेट की तरह नहीं है कि आप इससे सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर देंगे, डिस्कॉम के फाइनेंस और लॉस बर्डन खत्म हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा इंडिया का, तो ये ऐसा सिल्वर बुलेट तो नहीं है जो जो आप इस स्मार्ट मीटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक बस छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो ये कि डिस्कॉम कंपनियों के ऊपर जो ये पेमेंट को वसूलने का बर्डन होता है वो खत्म हो जाएगा। बाकी इसके साथ बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स जुड़े हुए हैं दैट वी नीड टू एड्रेस। आइए अब हम लोग न्यूज की तरफ चलते हैं। पहला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने आर्टिकल 142 के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया है और वहां पे मणिपुर में एक मिनिस्टर के खिलाफ जो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस चलता आ रहा था 2017 से, तो उस पर उन्होंने अपनी कार्यवाही करते हुए उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अब ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, डिसक्वालीफिकेशन तो स्पीकर के हाथ में होता है, हमने डिस्कस भी किया था, अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि जब यहाँ पे वही बहुत सारी बातें लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, देखिए पहले आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में बता दें, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कहाँ पर है, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया और उसी में डिसक्वालिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, लोग पार्टी छोड़ते पकड़ते रहते थे, तो आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता था, तो उसको काउंटर करने के लिए ये डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लाया गया और ये इसमें स्पीकर के पास सबसे ज़्यादा पावर दिया गया। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं एंड रिक्वायर टेक डिसीजन विद इन द रीजनेबल टाइम, तो स्पीकर को यहाँ पर ट्रिब्यूनल की तरह माना गया कि स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो एक ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा इस एंटी डिफेक्शन के तहत जो डिसक्वालिफिकेशन का। और फिर देखिए ये जो डिसक्वालिफिकेशन है शुरुआत में ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर जिक्र भी है आर्टिकल 212, आर्टिकल 212 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इन टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो कोर्ट जो है वो किसी भी तरीके के लेजिस्लेचर के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 142 में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगा कि वो टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, किसी भी तरीके का जब कंप्लीट जस्टिस उनको होता हुआ नजर नहीं आ रहा हो तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पावर यहाँ पर मेंशन्ड है, तो 2012 के तहत तो वो नहीं इंटरफेयर कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बार ये कहा है कि जो स्पीकर हैं वो ट्रिब्यूनल की तरह, उनका जजमेंट आता है वो ट्रिब्यूनल का जजमेंट होता है और ट्रिब्यूनल को
के डिसीजन को वेरीफाई करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, इसीलिए डिसक्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो आगे डिसीजन आता है उसको चेक किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होने वाले हैं, सीधा ये नहीं अब यूपीएससी पूछती कि 52nd अमेंडमेंट क्या है, अगर पूछ ली तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, अब क्या होता है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको इस तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म में चीज़ें याद रहनी चाहिए। और 2019 में तो कई केसेस डिसक्वालिफिकेशन के हमारे सामने आ चुके हैं। भाई थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, 10th शेड्यूल में आया है कब, 1985 में, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, अभी आपको बताया मैंने, और ये पावर किसके पास होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, उनके पास ये ड्यूटी होती है कि वो जो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं, फाइनल डिसीजन होता है उनका, उसको फाइनल माना जाता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पर हो सकता है, उसके पार्ट या क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि इफ़ ए मेंबर ऑफ हाउसिंग बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद वॉलंटरी गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप से पॉलिटिकल पार्टी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या फिर जब पार्टी के खिलाफ कोई वोट कर दें या पार्टी के कहने पर वोट ना करें तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एब्सेंट माइंड हो। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं, मान लीजिए निर्दलीय, आपने सुना होगा निर्दलीय कोई खड़ा होता है चुनाव में और वो जीत जाता है, और जीतने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वहाँ पर फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनके पास 6 महीने का समय होता है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का, तो अगर वो उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं। नाउ इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, तो जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या बदलाव किया गया, पहला इसमें बदलाव तो ये किया गया था कि इट इज लेजिस्लेचर लाइबल टू पेनलाइज द देयर कंडक्ट बोथ इनसाइड एंड द लेजिस्लेचर, द पेनल्टी बींग द लॉस ऑफ देयर सीट इन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, कि दोनों जगह पर इसको अप्लाई किया जाएगा, लेकिन अगर 1/3 मेंबर जो है वो स्प्लिट हो रहे हों या 2/3 मेंबर जाकर के मर्ज हो रहे हों, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं रखा जाएगा, तो ये याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है। और तीसरा इसमें बदलाव किया गया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास सोल आर्बिट्ररी पावर दिया गया है इसके प्रोसीडिंग का, जुडिशियल रिव्यू में आता है ये, आपको बता दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियर कर दिया गया था कि यहाँ पर अपील किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, अगला न्यूज़ है बिल पास इन राज्यसभा, रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उनको कवर करने के लिए, तो प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर आपको अगर होम्योपैथी लिखा होगा तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाए कि नहीं होम्योपैथी कैसे होगा, तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए ये जो होम्योपैथी है वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है, और एक सेपरेट कमीशन बनाया जा रहा है होम्योपैथी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, और ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग रेगुलेटर को, अभी जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को, ठीक है, एंड इसमें देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या कवर हो रहा है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये सारे क्या हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेदा भी है उसमें, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है, सिद्धा भी है, और तिब्बतन सिस्टम जो मेडिसिन का होता है वो भी है, तो सिर्फ एक एलोपैथी नहीं है जो आप देखते हैं और सीधा उठ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हाँ वो फेमस ज़रूर है, वो तुरंत इलाज ज़रूर करते हैं, वो तुरंत आपको रिलीफ ज़रूर पहुँचाते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम हैं आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये बदलाव है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से उस प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन बन जाए। अब आइए हम लोग इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। पहला है इंडिया वन ऑफ द मेजर फिश प्रोडक्शन नेशन इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड सेकेंड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, स्ट्रेच बेस्ड होमोस्टैट मटेरियल, ठीक है, होमोस्टैट मटेरियल दैट कंसंट्रेट द नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड, तो ये क्या ये सही है, हीमोस्टैट मटेरियल के बारे में आपको याद रखना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अगला है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द कंकरेंट सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट है, क्या सही है ये, क्या ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, क्या ये सेंटर गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता,
तो बिल्कुल नहीं, सही स्टेटमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट सब्जेक्ट में ही आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैंडल्ड बाय द स्टेट एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड एट यूटिलिटीज़. ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर. मिशन परिवार विकास 2016 में लॉन्च हुआ था. इसके अंतर्गत क्या आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो दी जाते हैं, टोटल फर्टेलिटी रेट एंड अबव 7 हाई फोकस स्टेट. तो मिशन परिवार विकास किस चीज़ से संबंधित है आपको याद रखना है, सही स्टेटमेंट है ये. रिवाइज्ड मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के लिए, किसका इनिशिएटिव हो सकता है. यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके साथ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, दोनों ही बिल्कुल सही है. मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इन दोनों मिनिस्ट्री के साथ लाया हुआ ज्वाइंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है. कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है, एडोलसेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए. तो ये सारे जो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं इनका नाम आप याद रख सकते हैं. अम्ब्रेला स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है वो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए है. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही याद रखना है पर, और बहुत स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में हो गया इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वॉल्यूम ऑफ 14th लार्जेस्ट इन द आइटम ऑफ वैल्यू. तो ये भी याद रखिएगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नीलाम वेबू और कुरिनेर, ये बहुत टफ है याद रखिएगा इसको. सिद्धा मेडिसिन, क्या सही है ये, सिद्धा मेडिसिन है तो बिल्कुल ये सिद्धा मेडिसिन ही है. इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे एपिडेमिक को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सिद्धा मेडिसिन है ये. ठीक है, अब आज के लिए आपका सवाल है ब्लैक सी. तो आप मैप में ब्लैक सी को लोकेट करेंगे और उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ का नाम आपको लिखना है. हाँ बहुत सारे होंगे लेकिन यकीन मानिए एक बार आप याद कर लेंगे, कोड बना के याद कर लीजिएगा. कोड आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा होगा. तो आप किसी भी तरीके के कोड से याद रखिए बट आपको याद रखना कंपलसरी है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें. कैसा लग रहा है डिस्कशन ज़रूर बताया कीजिए.